माय डियर फ्रेंड्स, दो मिनट के लिए थोड़ा सा व्यवधान आ चुका था और वो दूर हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन कॉमेडी इज नोन फॉर, ऑप्शन ए है सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस, बी में पॉलिटिकल इंट्रीग, और सी में कॉस्मोपॉलिटन विट, तो और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में दोनों चीज़ें पाई जाती थी, सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस और कॉस्मोपॉलिटन विट, एक सार्वभौमिक बुद्धि चातुर्य और सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस जिसको सेक्सुअल ओपननेस भी कहते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल इंट्रीग की बात है, राजनीतिक षड्यंत्र की बात है, ये रेस्टोरेशन कमेटी में नहीं मिलती थी। तो आपका ऑप्शन है ए और सी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटेन बाय विलियम कॉन्ग्रेव ने, बिल्कुल ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, आप इसको नोट करके रख लें वहीं पर, वे ऑफ वर्ल्ड ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। विच पीरियड इज कॉल्ड द फ्लावरिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा, किस पीरियड को इंग्लिश ड्रामा का फ्लावरिंग पीरियड माना जाता है? ऑप्शन बोले आप लोग, रेनेसां पीरियड, बिल्कुल सही है। रेस्टोरेशन में ड्रामा का डिटेरियरेशन हो चुका था, गिरावट आ चुकी थी, प्योरिटन एज में ड्रामा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। ऑगस्टन एज ये पूरी तरह से कविता के क्षेत्र में और प्रोसोडी के नियमों का पालन किया जाता था। तो फ्लावरिंग पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा है आपका रेनेसां पीरियड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फोर्थ है, अ किंग एंड नो किंग, ये नेट में प्रश्न पूछा हुआ है। अ किंग एंड नो किंग इज ए ट्रेजी कॉमेडी रिटन बाई, बिल्कुल ऑप्शन डी, जी ए एंड डी दोनों है, ब्योमांट और फ्लेचर दोनों के कोलैबोरेशन में लिखा गया है, अ किंग एंड नो किंग। लगता है आप लोगों ने कुछ आंसर ढूंढा है, अच्छी बात है। और व्हेन वाज द फर्स्ट इंग्लिश थिएटर वाज बिल्ट, पहला इंग्लिश थिएटर, जी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी 1576। जहाँ तक 1572 की बात है, 1572 में जनरल काउंसिल ऑफ लंदन ने एक रूल पारित किया था कि कोई भी ड्रामेटिक एक्टिविटीज लंदन के ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि लंदन के जो वैधानिक सीमा है उसके भीतर कोई ड्रामेटिक एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जनरल काउंसिल ऑफ लंदन ने ये सोचा था कि ये प्लेयर्स और प्ले गोवर्स ये सिविल सोसाइटी के लिए खतरा हैं। और जहाँ तक 1560 की बात है, इसमें एक पहल हुई थी कि ड्रामा को किस तरह से परमानेंटली इसको एनेक्ट किया जाए। तो ऑप्शन आपका जो है सी है, 1576 में पहला थिएटर बना था। दूसरा है, हु वाज द मोस्ट फेमस ट्रेजिक रोल प्लेयर ऑफ एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन दौर में, हाँ जी रिचर्ड बर्बेज, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। जहाँ तक जेम्स बर्बेज की बात है, ये रिचर्ड बर्बेज का पिता था, जिसने एलन गाइल्स, हाँ जी एलन गाइल्स से, नहीं जेम्स बर्बेज पिता था रिचर्ड बर्बेज का, ये जेम्स बर्बेज के दो बेटे थे, रिचर्ड बर्बेज और गुथबर्ट बर्बेज। तो जिसमें रिचर्ड बर्बेज अपने ज़माने का सबसे बड़ा ट्रेजिक रोल प्लेयर था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजिडीज हैं उसमें लीड रोल रिचर्ड बर्बेज ने प्ले किया है, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मिस फॉर्चून ऑफ आर्थर,
मिस फॉर्च्यून ऑफ आर्थर का लेखक कौन है? ऑप्शन बी जी बिल्कुल योगेश ने लिखा है। चलिए इन 1603 द ड्रामेटिक कंपनी किंग्समैन विच वॉज लेटर ऑन अंडरटेकन बाई जेम्स फर्स्ट वॉज नोन अर्लियर एज किस नाम से? जी बिल्कुल सही है ऑप्शन सी आपका चैम्बरलेन्स मैन। तो क्वेश्चन एक का जो ऑप्शन है आपका सी चैम्बरलेन्स मैन। नाइन्थ क्वेश्चन है द ग्लोब थिएटर बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज वॉज नोन अर्लियर एज द थिएटर। बिल्कुल सही है। From whom James Burbage had got land on lease to build the theater? जी एलन गाइस ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग ऑप्शन फटाफट देते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हो गए टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स। जी जॉर्ज सेंसबरी ने दिया था 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लो ग्रीन थॉमस मैस वर प्रोडक्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑक्सफर्ड। जी बिल्कुल सही है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बाकी और जो लोग थे वो ऑक्सफर्ड की पैदावार थे। केवल मार्लो ग्रीन और थॉमस मैस यही तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। नेक्स्ट है हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ रेवेंज ट्रेजेडी। रेवेंज ट्रेजेडी का फाउंडर किसको माना गया है? थॉमस किड। बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका सी करेक्ट। थॉमस किड वाज द फाउंडर ऑफ रेवेंज ट्रेजेडी। रेवेंज ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ ब्लड भी कहते हैं और इसी को सेनेकल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश प्ले इन सेनेकल फॉर्म। जी बिल्कुल सही है गोरबोडक का एक और भी टाइटल है फेरेक्स एंड फोरेक्स। हु वाज द प्रोपेगेटर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी ऑप्शन बिल्कुल गलत है आपका। रॉबर्ट ग्रीन नहीं है ना तो जॉर्ज पील है ना ही थॉमस लार्ज है बल्कि जॉन लिली है। ऑप्शन बी वॉज द प्रोपेगेटर ऑफ रोमेंटिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द फ्रेज माइटी लाइन ऑफ मार्लो। जी बिल्कुल सही है बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है और ये भी बता दें कि माइटी लाइन ऑफ मार्लो ये फ्रेज बेन जॉनसन की किस रचना में आया है? अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं। पूरा टाइटल है टू द मेमोरी ऑफ माय बेलव्ड फ्रेंड एंड ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर। ये कविता है बेन जॉनसन की जो एक तरह की ट्रिब्यूट है श्रद्धांजलि है शेक्सपियर के मरने के बाद और उसमें माइटी लाइन ऑफ मार्लो का जिक्र हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी का इंग्लिश साहित्य में सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? जी नहीं एंडीमिया। जी नहीं
एंडीमिया। नहीं भाई, फिर से पढ़ना। Who was said to be the born journalist? किसको जन्मजात जर्नलिस्ट कहा जाता है? थॉमस नेस, बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन। और who is said to have died under the weight of bitter times and privy broken passion? नेट में क्वेश्चन है ये, किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वृत्त। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ देखो, कुछ चीज़ें जो नोट्स में नहीं मिलती हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, नोट्स से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टेस्ट देना, और टेस्ट पेपर का पूरी तरह से थॉरली डिस्कशन कर लेना। और मैं आपको बता दूँ कि टेस्ट जितना देंगे तो टेस्ट देना एक तरह के सक्सेस का पासपोर्ट माना जाता है। और वो जब बाजारू किताबों में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप लोग उसके ऊपर बिल्कुल फोकस मत कीजिए। और मुझे 10-20 क्वेश्चन लिखने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, और मुझे अपने खुद से नहीं कहना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देख करके खुद समझ सकते होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं सभी लोग? तो इसलिए थोड़ी मेहनत लगती है, और कुछ लोग इसको बड़ा आसान समझते हैं, बहुत सी किताबों को देख करके क्वेश्चन को सेट करना, फ्रेम करना, उसके लेवल को तलाशना, ये काफ़ी पेन टेकिंग काम होता है भी है। तो और कुछ लोग टेस्ट फीस को लेकर के और उनकी सारी समस्याएं जो हैं इसी पर हो जाती हैं। और हाँ, एक बात और भी बता दूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने बहुत सारे, एक OSM क्लास है कोई डॉक्टर अग्रवाल करके हैं, और दिल्ली की है ये, और मुझे ने लेकिन इतनी रफ इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके 30-40 मिनट के वीडियो हैं, और पूरा एज जैसे ब्रिटिश ड्रामा है 20 मिनट में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर की संख्या देखो तो मुझे हैरत होती है कि इस तरह के वीडियोस को, इस तरह के जो है सुपर रिवर्स इंफॉर्मेशन को लोग कैसे लाइक करते हैं। खैर, मेरा अधिकार नहीं है किसी के ऊपर कमेंट करना। आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। भाई, मैं जैसा आपके साथ इलाहाबाद में था वैसा घर पर भी हूँ, तो उससे अब उसमें क्या कहा जाए। चलिए, मैंने बहुत से वीडियो देखा और ये देखा कि मतलब लोगों का लेवल क्या है, तो भाई मैं भी कुछ सूचनाएं पहुंचाता हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे इस बात का एहसास होता है कि कई लोग अदरवाइज ना लें, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ हैं, होस्ट ऑफ वीडियोज ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड इवन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज आर अपलोडेड, बेटर यू सी देम, गो थ्रू एंड मेक योर ओपिनियन इंडिविजुअली, यू विल कम टू ए कंक्लूजन दैट वॉट एवर द मैटर दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम मी दैट इज फार फार बेटर दैन दोज। चलिए आगे देखते हैं किस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स में स्किप ओवर हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं टेस्ट पेपर के माध्यम से जो है क्लियर कर दूँ और सप्लाई कर दूँ आप लोगों से। चलिए, हो अच्छा, 19 क्वेश्चन है, हु इज सेड टू हैव डाइड, हो चुका थॉमस किड, थॉमस किड ऑप्शन बी है, थॉमस किड। अच्छा, क्या करके,
अरे वाह, तुम्हारा गेस भगवान करे कि तुम्हारा गेस बुढ़िया भगवान करे कि जो है तुम्हारे पेपर के वक्त भी सही हो जाया करे। मैं तो ये दुआ करूँगा। चलो अच्छा अच्छा वो इंट्रोड्यूस्ड सेनेकन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजरी। इंग्लिश साहित्य में सेनेकन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजरी को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन ड्रामेटिस्ट है? थॉमस किड। और पहली सेनेकन पैटर्न पर जो लिखी गई है वो बोर्बोटेक है, और उसके बाद स्पेनिश ट्रेजडी या जेरोनिमो इज मैड अगेन, थॉमस किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ऑन एलिजाबेथन ड्रामा यूनिवर्सिटी विट्स। हेलो क्वेश्चन जरा पढ़ करके बताना। तो बस बस सब्जेक्ट की वेन वाज टेल्स लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बाथ सेवा वाज पब्लिश्ड। हाँ बिल्कुल सही है, 1599। हु रोट रोजलिन यूपियस गोल्डन लेगेसी विच वाज पब्लिश्ड इन 1590। किसने लिखा था? थॉमस लॉज। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी किसलय से कहता हूँ आप तक पहुँच जाएगा। शेक्सपियर डेलिनिएटेड इमॉर्टल कैरेक्टर शाइलाक नाम को दूसरा हाँ आप ध्यान से सुनते रहें और ऑप्शन जो है नोट करते रहिएगा। हो रोट क्वेश्चन थर्ड है, शेक्सपियर डेलिनिएटेड इमॉर्टल कैरेक्टर शाइलॉक आफ्टर शेक्सपियर ने अपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में अमर पात्र शाइलॉक की रचना किस कैरेक्टर के आधार पर डेलिनिएट किया था, चित्रित किया था? ऑप्शन ए है मार्लोस बराबास। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन थ्री का ऑप्शन ए सही है। ऑर्लैंडो फ्यूरियोसो बाय रॉबर्ट ग्रीन इज एन एडाप्टेशन ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ एरिस्टो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फोर का राइट ऑप्शन है डी, एरिस्टो। हु फिनिश्ड मार्लोस बीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज। ये बिल्कुल सही है, थॉमस मैस ने इसको कंप्लीट किया था। और जब इनग्राम फ्रीजर ने मार्लो की हत्या कर दी थी खंजर घूम करके, तो ये रचना उसकी मार्लो द सॉरी दीदो द क्वीन ऑफ कार्थेज इनकम्प्लीट रह गई थी, और मृत्यु के बाद नैश ने उसको पूरा किया था। नेक्स्ट है मार्लोस ऑल प्लेज एंड इट्स मेजर आर माइनर इंसिडेंट्स रिवॉल्व राउंड वन फिगर ड्रॉन इन बोल्ड लाइन एक्सेप्ट। मैं हिंदी में इसको समझा लूँ, मार्लो ने जितने भी प्ले लिखे, और ये भी ध्यान रखिएगा कि मार्लो ने कोई भी कॉमेडी नहीं लिखी, सारी की सारी ट्रेजडी हैं मार्लो की रचनाएं। उसमें जितनी भी ट्रेजडी हैं केवल एक ट्रेजडी ऐसी है जो लीड कैरेक्टर के इर्द गिर्द सारी घटनाएं नहीं घूमती हैं, बल्कि चाहे डॉक्टर फास्टस की बात कर लें, जो आप माल्टा की बात कर लें, या तेमरलेन द ग्रेट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बात कर लें, सारी की सारी माइनर और मेजर इवेंट इनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं, बल्कि वो पिवट कैरेक्टर हैं या सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं। बस केवल एक ट्रेजडी मार्लो की ऐसी है जिसमें सारी घटनाएं एक लीड कैरेक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमती हैं, और वह है एडवर्ड सेकेंड।
ऑप्शन, हाँ जी क्वेश्चन सिक्स का राइट ऑप्शन है सी एडवर्ड सेकंड, और क्वेश्चन सेवन है ये डीएसएसपी में पूछा गया है पीजीटी में, माउंटेन एंड हिल्स कम एंड फॉल ऑन मी एंड हाइट मी फ्रॉम हैवी रेथ ऑफ गॉड, दिस लाइन इज टेकन आउट ऑफ, हाँ जी जी ऑप्शन सी डॉक्टर फास्टस, डॉक्टर फास्टस हू रोट द पंपलेट डिफेंस ऑफ प्ले विच वॉज पब्लिश्ड इन 1580, डिफेंस, हाँ जी हाँ बिल्कुल थॉमस लॉस ने लिखा है ऑप्शन बी, और इसलिए कि जब स्टीफन गोशन ने ड्रामा के ऊपर अटैक किया था तो उसके जवाब में लॉस ने लिखा था इन डिफेंस ऑफ प्ले, और नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड ओविड्स एमरस, ओविड के एमरस, एमरस का ट्रांसलेशन किसने किया था, मार्लो ने किया था, देखो बेटा समय है अभी कि नहीं, हु सेड ऑफ मार्लो ही एड इन हिम दोज ब्रेव ट्रांसल्यूनरी दैट द फर्स्ट पोएट है, मार्लो के बारे में ये पंक्तियां किसने कही थी, माइकल ड्रेटन ने कही थी ऑप्शन ए, माइकल ड्रेटन, और हु कंप्लीटेड मार्लोस पोयम हीरो एंड लिएंडर, ये शैपमैन ने की थी, शैपमैन चैपमैन नहीं शैपमैन जी, ये सेशन समाप्त होने वाला है, 5 मिनट के लिए आप लोग फिर से जोड़ लेते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं और उसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, फिर इसके बाद आज एक टेस्ट पेपर और पहुंच जाएगा आप लोगों के पास। हेलो क्वेश्चन 12 है हु स्टैब्ड मार्लो, किस व्यक्ति ने इस, हाँ जी इन ग्राम फ्रेजर ने, ऑप्शन बी है क्वेश्चन 12 का, क्वेश्चन है हु स्टैब्ड मार्लो, मार्लो को छोरा घोप करके किसने हत्या की थी, तो इन ग्राम फ्रीजर ने, ऑप्शन बी, हु इज द फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट प्ले ऑफ मार्लो, मार्लो का पहला नाटक कौन सा था, ना जी नहीं जी, ये दो द क्वीन ऑफ कार्थेज ये उसका पहला प्ले था जी, नहीं ऑप्शन बी है डी दो द क्वीन ऑफ कार्थेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैश वाज इन्वॉल्व्ड इन ए पीटर पंपलेट वार विद गैब्रियल हार्वी, ऑप्शन बी गैब्रियल हार्वी, और हु पेव्ड द वे फॉर फील्डिंग टू राइट पिकारेस्क नॉवेल, भाई जी बिल्कुल सही है, पिकारेस्क नॉवेल का प्रोपेगेटर थॉमस नैश था, और नैश ने एक तरह से मार्ग प्रशस्त किया था हेनरी फील्डिंग जो कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है उसके, विच इज
said to be the first English play which contained play within play. अंग्रेजी साहित्य का पहला प्ले कौन सा है जिसमें प्ले विद इन प्ले. जी ओल्ड वाइव्स प्ले बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए. हेलो, और फिर शेक्सपियर का वो कौन सा नाटक है जिसमें प्ले विद इन प्ले है. जी बिल्कुल सही. हु इज फेमस फॉर हिज स्पार्कलिंग डायलॉग. जी बिल्कुल सही है, जॉन लिली, ऑप्शन ए करेक्ट है. और हु पॉपुलराइज्ड मास्क प्ले. जी जॉन लिली है, ऑप्शन ए. थॉमस किड डाइट इन. फिफ्टीन नाइन्टी फोर में किड की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. और हु सेड लिलीज ग्रेटेस्ट सर्विस टू इंग्लिश ड्रामा कंसिस्ट इन राइटिंग प्ले इनटू प्रोज. ये स्टेटमेंट किसका है, व्याट और कॉलिंस का है या फिर व्याट एंड हर्बर्ट का है, प्रोफेसर गैमर का है या प्रोफेसर हडसन का है? नहीं नहीं, हाँ जी व्याट एंड कॉलिंस, ये राइट ऑप्शन है आपका. ठीक, अच्छा जैसा कि मैंने पहले कहा था कुछ फ्रेज इडियम्स और फ्रेज को मैं आप लोगों को देता चल रहा हूँ और उसके ऊपर डिस्कस भी करता रहूँगा. आप केवल इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आप केवल टेस्ट पेपर रखिएगा, चाहे लैंग्वेज का हो या फिर लिटरेचर का, और नोट्स, बाकी कोई भी एग्ज़ाम होगा तो देख लीजिएगा, उसमें 90% प्लस जो है आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन उसी में से. चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर. थैंक यू वेरी मच.